सबसे पहले जान अचकज़ई साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी क्योंकि रिपोर्ट के अंदर तमाम का तमाम इनडायरेक्ट मलबा आप लोगों पर डाला गया और आज सारी ऑपोजिशन लीडर जमा हो रहे हैं इस बात पर, इस पॉइंट पर कि चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और राणा सनाउल्लाह साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपके अपने पीर हमीदुद्दीन सयालवी साहब भी कह रहे हैं कि 10 दिसंबर को 15 लॉ मेकर्स, उसके अंदर MNAs, MPs, सेनेटर्स, तमाम लोग हैं जो रेजिग्नेशन देंगे। आप लोग अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि आसान तरीका ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब का रेजिग्नेशन दे दिया जाए, या अभी भी ऐसा कोई मामला जेर बहस नहीं है? देखिए, बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी और ये तो थी कि इस रिपोर्ट के आने के बाद एक स्मोकिंग गन उन्हें मिल जाएगा, एक सबूत उन्हें मिल जाएगा और इसमें जो है इनको नज़र आएगा कि डायरेक्टली मुलजिम करार दिया गया राणा सनाउल्लाह साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, या जिम्मेदार ठहरा गया दोनों लीडरों को। लेकिन इन्हें मायूसी हुई, अब ये इफ्स एंड बट की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा एविडेंशरी वैल्यू या रिपोर्ट जिसकी कोई कोर्ट ऑफ लॉ में यानी अहमियत हो, वो आप सेकेंड सोर्स पर नहीं तकिया कर सकते, आप इफ्स एंड बट्स पर नहीं कर सकते। आपने क्लियरली कहना है कि इसकी जिम्मेदारी किस पे है और कौन मुलजिम है। मोटी बात यह है कि इंक्रोचमेंट रिमूव करना हुकूमत का राइट था। डिस्प्रोपोर्शनेट यूज जो है वो पुलिस ने किए, जो अनएक्सेप्टेबल है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। खुद इसी रिपोर्ट ने, जिसमें 1000 गलतियां हैं, जिसमें क्लरिकल एरर्स हैं, जिसके अपने लिमिटेशन हैं, जिन्होंने जाए वाकिया का जायजा नहीं लिया, फॉरेंसिक एनालिसिस इसमें नहीं है, सारे बहुत से पहलू इनकम्प्लीट है, इसमें खुद यही कहा गया कि तकरीबन मोर देन 29 पुलिस जो है वो भी इंजर्ड हैं, अगरचे फायर आर्म इंजरी उनको नहीं हुई है। जो इसके बाद GIT बनी है, जिसमें हमारी फौज के मुअज्जज़ इदारे भी शामिल है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि APC जो है वो रैनसेक हुई है, पुलिस पे हमले हुए हैं और 49 पैट के वर्कर्स को कैमरों के जरिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये पहलू कोई बताने के लिए तैयार नहीं। मुझे बहुत हमदर्दी है जो लोग शहीद हुए हैं, अनएक्सेप्टेबल है किसी भी मुल्क में और हमारे मुल्क में भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासत, पॉइंट स्कोरिंग, हमारे मुखालिफिन इस तरह बनाना रियासत हम नहीं बना सकते कि एक रिपोर्ट बना के आपको नजर आ रही है, आपको इंक्रोचमेंट उधर क्यों नहीं नजर आती जहां आप लोगों के रहनुमाओं का घर है मॉडल टाउन के अंदर, वहां भी इंक्रोचमेंट है ना, वहां भी जाके हटाएं उस तरह, वहां क्या पुलिस करेगी? राणा सनाउल्लाह साहब ये करेंगे उधर? एप्पल और ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, दोनों जगह इंक्रोचमेंट। अगर हमने हेड मांगना है वज़ीर आला का या राणा सनाउल्लाह का, हमें क्लियर एविडेंस चाहिए, हमें पिन पॉइंट करना है इस रिपोर्ट में। ये नहीं हो सकता कि जी ये पॉइंट आ गया, आप इस्तीफा दें, जी आप कातिल डिक्लेयर हुए, ये मजाक नहीं चलेगा। यहां पर जो है लोगों की पगड़ियां उछाली जाती हैं और खासकर हमारे मुखालिफिन को सबूत देने की जरूरत नहीं होती। ये पानामा से ड्रामा शुरू है और आज तक ये चल रहा है, ये एक बनाना रियासत नहीं, यानी आपके ख्याल में अदलिया ड्रामा कर रही है? देखिए, ये रिपोर्ट तो कॉमेडी है, कॉमेडी के अलावा और क्या हो सकती है, जिसमें क्लियरली आपको कहा गया कि आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करें। अगर मैंने ड्रॉ करना था तो मैंने आपको क्यों अपॉइंट किया है? ठीक है, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा जो काम चलता रहा वहां मॉडल टाउन के अंदर, उस टाइम पर वो चीफ मिनिस्टर साहब जो जरा सा एक खतरा बारिश गिर जाता है तो बूट पहनकर टोपी पहनकर बाहर आ जाते, उनको तब नजर नहीं आ रहा था कि मॉडल टाउन में क्या हो रहा है? यानी उनकी ये नाअहली थी या फिर ये जानबूझ के किया गया कि रोका नहीं गया? उसका भी तो जवाब होना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर साहब वो है जो हर जगह पहुंचते हैं। स्पेकुलेशन की बुनियाद पे आप वज़ीर आला का इस्तीफा चाहती है और उन्हें कातिल गर्दाना चाहती है? मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये लॉ में स्टैंड करेगा? क्या आर वी यू नो जॉकिंग? आप उनका हेड मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कत्ल हुए हैं उनके बदले में इन दोनों को फांसी होनी चाहिए, तो आपको तो इस्टेब्लिश करना है कि वाकई कोरिलेशन है, क्लियर एविडेंसेस हैं कि इसमें ये लोग कल्पेबल है। अब इसके लिए इफ्स एंड बट्स और स्पेकुलेशन की बुनियाद पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहें तालिबानी जस्टिस है, आप ये कहें कि इमरान खान के इंसाफ का जो है अदालत का तरीक़ाकार है। हाँ, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन पॉइंट स्कोरिंग, इसको सियासी केस बनाना, दरनों के लिए इस्तेमाल करना, लाशों भी सियासत करना, ये हमारे मुखालिफिन का वतीरा रहा है। जब भी कादरी साहब आते हैं बाहर मुल्क से, वो इसको दरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे कंडेमेबल एक्ट है।